हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ डबल आई एस यूनिवर्सिटी के बारे में, कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर एसन। आपको उसमें टाइप करना है IIS University 2023 एस पेपर। IIS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको IIS University से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, डेट्स, एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे 6 मार्च को इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका था UG एंड PG कोर्सेज के लिए। एंड देन यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी दिया गया है। देन यहाँ पे आपके सामने एक फॉर्म आएगा, जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, एज क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका, क्लिक किया टू चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है। देन आप जो है यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे, देन आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे, जहाँ से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नेम टाइप करेंगे, देन आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना होता है, जो भी आपका ईमेल आईडी होगा आपको टाइप करेंगे। आपको अपना ईमेल आईडी जो है राइट टाइप करना होता है। एंड देन आपको जो है आपको अपना मोबाइल नंबर देना होता है, एंड मोबाइल नंबर में आपको OTP आएगा, इसलिए आपको अपना मोबाइल नंबर भी राइट देना होता है। देन यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। उसके बाद आपको अपना ईयर डालना है। देन उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताएंगे आप, फिर यहाँ पे यहाँ पे चूज़ करेंगे, एंड देन यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। देन उसके बाद आपको जो आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आपको अपना नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, रिलीजन, कास्ट, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बतानी होती है। एंड देन आपको जो है आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद आपको अपने पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन देनी होती है। पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में फादर नेम, मदर नेम, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, उनकी एनुअल इनकम कितनी है वो बताएंगे। देन आपको अपना जो है आप एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे कि 10th एंड 12th का एंड ग्रेजुएशन या फिर UG एंड PG कोर्सेज का। आपको अपना परसेंटेज बताना होता है, कौन से ईयर में आपने कम्प्लीट किया था एंड कौन से स्टेट से, कौन सी यूनिवर्सिटी से कम्प्लीट किया था, सारा आपको अपना फॉर्म फिल करना होता है। देन आपको जो है आपको अपना यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको अपना सारा इन्फॉर्मेशन फिल करना है। सबसे पहले नेम यहाँ पर है, फिर यहाँ पे फोटो है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, कैटेगरी, हाउस नंबर, एरिया, फिर यहाँ पे सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, जो भी मैंने आपको बताया था वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है यहाँ पर। देन यहाँ पे सब्जेक्ट, पर्पज फॉर स्टडी यहाँ पे दिया गया है, फिर यहाँ पे शिफ्ट सब्जेक्ट दिया गया है, फिर यहाँ पे जेंडर बतानी है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एकेडमिक बैकग्राउंड दिया, सेकेंडरी यहाँ पे फिर 11th एंड 12th का दिया गया। देन यहाँ पे आपको अपना जो है 10th का मार्कशीट देना है, 12th का मार्कशीट देना है, UG मार्कशीट दिया हुआ, सेकेंड ईयर का UG मार्कशीट देना, थर्ड ईयर का, फिर यहाँ पे फाइनल ईयर का दिया गया UG का मार्कशीट। देन यहाँ पे आपको अपना PG मार्कशीट देना है, फिर यहाँ पे NET ऑफिस स्लैट आपने कम्प्लीट किया था उसका आपको सर्टिफिकेट देना है, फिर MPhil मार्कशीट देना है, आधार कार्ड दिया देना है आपको। देन यहाँ पे वेदर अप्लाइंग फॉर यूनिवर्सिटी हॉस्टल, अगर आपको हॉस्टल की ज़रूरत है तो इस पर क्लिक करना, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। देन आपको जो अपने एप्लीकेशन फ़ीस है वहाँ पे 1500 दिया गया, आपको यहाँ पे आई एग्री क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस देना रहता है। तो जो भी मैंने आपको अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताया था, सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया, आपको सारा इन्फॉर्मेशन राइट फिल करना है। तो इस तरह से आपको अपना सारा प्रोसेस कम्प्लीट करना होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।